Bismillahirrahmanirrahim. First we will check the group 1, then we will go for group 2. MCQ identity, the identity is true for what values of x? So identity हम कहते हैं उसको है जो x की तमाम values के लिए true होती है. Option D इसका correct है. Next है a collection of well defined objects is called a set. इस set की definition है. Next है if A is a subset of B, then what will be the value of A union B? Union B हमारे पास B के equal होगा. ये साथ मैंने इनको solve भी किया, अब आप देखते जाएंगे तो और अच्छा clear हो जाएगा. हाँ, histogram is a set of adjacent rectangles. Mean is affected by the change in origin. Scale भी इसकी जगह लिखा जा सकता है. Next, find the value of secant theta into cotangent theta. सीकेंट होता है आपके पास वन ओवर काज का रेसिप्रोकल है. कोटेंजेंट है काज ओवर साइन. काज और काज कैंसिल हो जाएंगे, वन ओवर साइन इसका आंसर आ जाएगा. अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर. डायमीटर की डेफिनेशन है. साथ उर्दू में भी बेशक आप देख, दायरे के मरकज में से गुजरने वाला वितर कुतर कहलाता है डायमीटर. नेक्स्ट इन एडजेसेंट फिगर फाइंड द सेमी सर्कुलर एरिया. रेडियस हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो सर्कल का जो एरिया है वो तो पाई आर स्क्वायर है, लेकिन क्योंकि सेमी सर्कल पूछा जा रहा है तो डिवाइडेड बाई टू कर देंगे. इसको जब आप सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14 रेडियस, क्योंकि 20 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर के तो आपका रिजल्ट आएगा 628.32. नेक्स्ट है द सेमी सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोथ सबटेंड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू डिसजॉइंट सर्कल्स. तो चार कॉमन टेंजेंट्स उसमें से ड्रा किए जा सकते हैं. मैंने ड्रा करके बताए हुए भी हैं, देख लें. एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा. तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास सी ओवर ए होता है. सी फोर है और ए सेवन है, तो 4/7 इसका आंसर आ जाएगा. नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय डिस्क्रिमिनेंट. जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आप करते हैं उससे आपको नेचर ऑफ द रूट्स का पता चलता है. इन द प्रोपोर्शन ए डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स. ए डी एक्सट्रीम कहलाते हैं और बी सी मीन कहलाते हैं. फोर्थ प्रोपोर्शन डब्ल्यू ऑफ एक्स वाई वी एंड डब्ल्यू इज वी वाई डिवाइडेड बाई एक्स. ये उसका सोल्यूशन भी चेक कर लें. नेक्स्ट है सेकेंड ग्रुप का पेपर. फर्स्ट एम सी क्यू है इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स. द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल बी वाई रेस टू पावर फोर डिवाइडेड बी एक्स स्क्वायर. सी ऑप्शन इसका ठीक है, मैं इसको सॉल्व भी किया हुआ देख लें. इन पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस. क्योंकि ये लीनियर है तो इसको ए ओवर एक्स प्लस सी करेंगे. ये क्वाड्रेटिक है तो उसको बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू करेंगे. नेक्स्ट सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. नेक्स्ट एमसीक्यू में एसोसिएटिव लॉ यूज हो रहा है. यूनियन वाला ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. नंबर सिक्स मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन. मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज कॉल्ड मॉड. नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है हमने तो ए वन प्लस साइन और वन माइनस साइन एलसीएम आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका रिजल्ट आ गया टू ओवर कॉस स्क्वायर. तो कॉस का रेसिप्रोकल सेकंड 2 secant square इसका आउटपुट आएगा. अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 डिग्रीज. अ लाइन विच हैज टू पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड secant. अगर एक पॉइंट कॉमन होगा तो वो टेंजेंट होगा. अगर एक से ज्यादा है जैसे कट करेगा तो वो secant कहलाएगा. द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो टेंजेंट और रेडियस जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x² - 16 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी +-2. लेकिन वो x की वैल्यू नहीं पूछ रहा, सोल्यूशन सेट पूछ रहा है. तो सेट को हमेशा आपने मिडल ब्रैकेट्स में शो करना होता है. इसका ये आंसर ठीक. सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा 2 बीटा.
तो 2 अल्फा 2 बीटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा प्रोडक्ट है यानी कि सी ओवर ए, यहाँ पे सी माइनस वन है, ए वन है, सिंप्लीफाई करेंगे आउटपुट आ जाएगा -4। तो अभी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह सब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं।